बात करेंगे अगली खबर की। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लखीमपुर खीरी में प्रचार किया। इस दौरान दावा किया कि यूपी में विपक्षी पार्टियों को का सूपड़ा साफ हो गया है। साथ ही शाह ने लोगों से ये अपील की है कि वो अजय मिश्रा टेनी को जिताकर भेजें तो वह उन्हें बड़ा आदमी बना देंगे। पर ये 6 माह में गया, हर एक जगह कहते हैं कि हमारे सांसद को मंत्री बना देना भैया, हर जगह कहते हैं, मगर खीरी वालों आपको तो हमने बना बनाया मंत्री देने का काम किया है। ये अजय मिश्रा को यहां से जिता दो, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम मैं करूंगा। किस तरह से अमित शाह जी कह रहे थे कि किसान के हत्यारे, किसानों पर जीप चढ़ा करके मार डालने वाले देश के गृह राज्य मंत्री अमित टेनी जी को पुनः भारी मतों जिताने की अपील कर रहे थे और आप जिता दीजिए, इनको और बड़ा आदमी बना दूंगा। और बड़ा आदमी बना देंगे, इसका मतलब वो तय करते हैं कि अगली बार टेनी को लाइसेंस दे देंगे कि आप किसानों की के साथ चाहे जो दुर्व्यवहार करिए हम आपके साथ हैं। और बड़ा आदमी बन जाएंगे तो मेहुल चौकसी और नीरव मोदी की तरह बड़ा माल लेकर के विदेशों में बस जाएंगे। तो अमित शाह जो इस तरह का बयान टेनी के मिश्रा के पक्ष में दे रहे हैं, इससे पूरी तरह साफ हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को नकार करके मनुस्मृति की जो व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, उसको जो है कि बढ़ाने के काम में जुटी हुई है। और इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा करने के लिए, उनके विजय रथ का पहिया उखाड़ फेंकने के लिए उत्तर प्रदेश से तैयारी कर लिया है। और लाख कवायद भारतीय जनता पार्टी कर ले, वो साम दाम दंड भेद की नीति अपना करके जो चर्चा उनकी चल रही है वह कोई भी नीति उनकी काम आने वाली नहीं है। आखिर देश को करना क्या चाहती है? एक ऐसे व्यक्ति कह रही बड़ा आदमी बनाइए जो किसानों पे गाड़ी रौंद देता है, कई किसान उसमें मर जाते हैं, और उससे जब बड़ा वो हो जाएगा जैसा कि अमित शाह जी कहते हैं और बड़ा बना दीजिए, कितने किसानों को आत्महत्या करेगा, कितनों को मार डालेगा, कितने को धमकाएगा। ये तो देश के लिए बहुत ही जहरीला बयान है कि टेनी को और बड़ा बना दीजिए ताकि और वो क्राइम करता रहे। ये भाजपा है, जब हार रही है ऐसे ही उल्टे सीधे बयान देगी। सर, आज देश के गृह मंत्री अमित शाह लखीमपुर खीरी पहुंचे थे। खीरी पहुंचने के बाद उन्होंने अजय मिश्रा टेनी को जिताने की बात कही, वहाँ की जनता से अपील की, और साथ ही जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि मैं अजय टेनी को एक बड़ा आदमी बना दूंगा जो आप यहाँ से जिता के भेजोगे, तो आप क्या कहोगे इस चीज़ को लेकर? देखिए, एक चीज़ आप समझने की कोशिश कर रहे हैं नितिन जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अजय मिश्रा टेनी जी के बारे में पूरे देश का किसान जानता है। मोदी जी की जनकल्याणकारी जो योजनाएं हैं या मोदी जी के द्वारा किसानों को लेकर के जो 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 चीज़ें की गई हैं, किसान तो कहीं ना कहीं मोदी जी के प्रति हमेशा विश्वास परक नीति को रखता रहा, तभी तो उनके एक आह्वान पर किसानों की बात को लेकर के किसान अपना आंदोलन से वापसी कर लिया था। लेकिन रही बात जो आज के देश के गृह मंत्री जी के द्वारा ये बयान जारी किया गया कि ये उनके समर्थन में ये बोला गया कि इनको आप चुनाव जिता के भेजो तो बड़ा आदमी बना देंगे, तो अजय मिश्रा टेनी इसको, अब मुझे तो नहीं लगता है कि जो व्यक्ति किसानों पर गाड़ी चढ़ा देने वाला व्यक्ति या उसके परिवारजनों ने गाड़ी चढ़ाई हो, मैं इस पर यह कह देना चाहता हूँ कि उस जैसे व्यक्ति को आखिर और कितना बड़ा आदमी बनाना है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ।